हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से, महिला कांग्रेस की हुई अहम बैठक। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने बैठक ली है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, कांग्रेस ने महिलाओं को मांगना नहीं पड़ता। डिसूजा का कहना है कि यहां बिन मांगे ही अधिकार और मौके मिल जाते हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, महिला कांग्रेस की बैठक हुई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा रायपुर पहुंची और उन्होंने ये बैठक ली है और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में महिलाओं को मांगना नहीं पड़ता, अपने आप ही बिन मांगे अधिकार और मौके मिल जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो इंसान एक एवरेज उस पे 40% घटौती हुई है, कमी हुई है और खर्चे दुगने होते हैं तो घर चलाना मुश्किल होता है। हमारे महिला कांग्रेस के पदाधिकारी हर जगह पे इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार को जगाने का काम करेंगे और साथ ही साथ प्रजा को भी जगाने का काम करेंगे। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, काफी अहम बातें यहाँ पर महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही कि कांग्रेस में महिलाओं को बिन मांगे ही मौके मिल जाते हैं और अधिकार भी मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का रायपुर दौरा रहा और आज महिला कांग्रेस की एक अहम बैठक भी थी राजधानी के रायपुर राजीव भवन में, और उसमें शामिल होने के बाद वो प्रेस से मुखातिब हुई और पूरे दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महंगाई को लेकर के निशाना साधा, केंद्र सरकार की आलोचना की, कई सारे आंकड़े सामने रखे कि कैसे पिछले 7 सालों में सारे चीजों के दाम बढ़े हैं, लोगों के जॉब कम हुए हैं, उनकी आमदनी कम हुई है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 2023 में चूंकि चुनाव है, उसके पहले उनका ये आगमन और फिर महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश और केंद्र सरकार पे हमला करने के साथ साथ राज्य सरकार के जो अच्छे काम है उनकी प्रशंसा, तो कह सकते हैं कि एक 2023 की तैयारी के पहले एक माहौल, एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश है। और सबसे अहम बात ये रही कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि यूपी में 40% महिलाओं को सीट दिया गया था तो क्या 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव में भी इस तरह की पहल की जाएगी, तो सीधे सीधे जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ये कांग्रेस है और यहाँ पर बिन मांगे महिलाओं को उनका अधिकार, उनका हक मिलता है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। तो ये एक बड़ा हिंट है, बड़ी बात है जो उन्होंने कही है। और तमाम जो दूसरे मुद्दे रहे, महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, आमदनी कम होने को लेकर के, तो एक तरह से 2023 की चुनाव की तैयारी की ये आहट कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।